हम अपनी कल्पना से कोई योजना बनाते हैं, वो योजना वाकई बहुत काम की होती है, उसे हम बहुत उत्साह से आरंभ करते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा काम करके हम अचानक उसको विराम दे देते हैं। ऐसी अनेक आधी अधूरी योजनाएं आपके पास भी होंगी, जिन्हें आपने पूरे जोर शोर के साथ आरंभ तो किया लेकिन उसे उसके परिणाम तक नहीं पहुंचाया, और पूरी कल्पना पूरी योजना एक नाकाम सोच के रूप में सामने आती है। आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा मात्र कार्य में संकल्प शक्ति के अभाव के कारण होता है। हम कार्य आरंभ करते समय अपनी संकल्प शक्ति पर विचार नहीं करते, भावुकता के साथ काम का आरंभ तो कर लेते हैं लेकिन उसको निरंतर संचालित करने की क्षमता पर विचार नहीं करते। यही नहीं, हम उस काम में अपनी रुचि दक्षता और कौशल्य पर भी विचार नहीं करते, बस कल्पना अच्छी लगती है और हम उस काम को करने का निर्णय कर लेते हैं। ऐसा जब जब और जहां जहां होगा, कार्य अधूरा छूटेगा ही, क्योंकि कार्य वही पूर्ण होता है जहां कौशल्य पूर्ण लगन, तप पूर्ण रुचि और संकल्प शक्ति का सही मेल हो। जहां भी इन तीन या इनमें से किसी एक का भी अभाव होगा तो वो योजना कितनी भी बढ़िया कितनी भी लाभप्रद हो, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी रोग को दूर करने के लिए सही परहेज, उचित आराम और सही दवाइयों की आवश्यकता होती है। आगे से किसी भी कार्य के आरंभ के पहले अपनी संकल्प शक्ति, लगन और रुचि पर अवश्य विचार कीजिएगा। आप निश्चय ही हर काम में सफल होंगे। आधी अधूरी योजनाएं कभी आपके हिस्से में नहीं आएंगी। इस मंत्र को आजमाइएगा जरूर।